नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम सब लोग इंस्टेंट हार्टिकल्चर का 16वां लेक्चर पढ़ेंगे जिसमें मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा जैक फ्रूट के जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मैं लर्न कराऊंगा। ठीक, तो जैक फ्रूट का मतलब समझते हो, कटहल। ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्रूट होता है। ठीक, यह एक ऐसा फल है जो दुनिया में सबसे बड़ा होता है, सबसे हैवी वेट का भी होता है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं जैक फ्रूट के बारे में पढ़ना। देखो, जैक फ्रूट देखने में ऐसा होता है। ठीक, इसके फल का प्रकार जो होता है वो सोरोसिस होता है। ठीक, इन्फ्लोरोसेंस। इसको मैंने सब, ये सब डिटेल जिसकी बॉटनी है पूरी, इसकी मैंने पूरी बॉटनी बता दी है। अगर आप लोगों ने ना देखा हो तो आप लोग इसकी बॉटनी जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में, चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, या तो इधर अभी दाहिने साइड पर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप इसको चाहें तो देख सकते हैं स्टार्टिंग से। अब देखो, जान लेते हैं कि बोटेनिकल नेम क्या होता है जैक फ्रूट का। जैक फ्रूट का बोटेनिकल नेम होता है आर्टोकार्पस हेट्रोफिलस। क्या होता है? आर्टोकार्पस हेट्रोफिलस, आर्टोकार्पस हेट्रोफिलस, आर्टोकार्पस हेट्रोफिलस। ऐसे कई बार बोलेंगे तो कई बार बोलने से याद हो जाएगा। इसकी जो फैमिली है वो क्या है? मोरेसी फैमिली का है। इसका ओरिजिन प्लेस क्या है? इंडिया ही है। ठीक, इसका ओरिजिन प्लेस इंडिया है, क्योंकि जो कटहल है ये ज़्यादातर इंडिया में ही फेमस है। सबसे ज़्यादा फेमस कहाँ है? इंडिया में। इसका ओरिजिन प्लेस भी इंडिया ही है। इसकी फैमिली क्या है? मोरेसी है। ठीक, और इसका बोटेनिकल नेम क्या है? आर्टोकार्पस हेट्रोफिलस है। अब इट कंटेंट 20% ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो जैक फ्रूट होता है ये बहुत रिच सोर्स होता है कार्बोहाइड्रेट का। ठीक, कार्बोहाइड्रेट का ये बहुत अच्छा सोर्स होता है। अल्टीमेटली वी कैन से दैट द कार्बो जैक फ्रूट इज अ वेरी रिच सोर्स ऑफ एनर्जी। इसमें जैक फ्रूट में एनर्जी भी बहुत होती है और ये मीठा भी खूब होता है। ठीक, तो इसमें 20% क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। लार्जेस्ट फ्रूट ग्रोन इन इंडिया। भारत में सबसे बड़ा ऐसा फ्रूट है जो ग्रो किया जाता है। ठीक, इसका वजन 5 से 8 किलो 10 किलो तक का होता है। ठीक, अब देखो, दे कैन नॉट टॉलरेट कोल्ड और फ्रॉस्ट। ये ठंडी को और सूखे को, ये दोनों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर ज़्यादा ठंडी पड़ेगी तो इनका जो फ्लावरिंग होती है, फ्लावरिंग के स्टेज पर फूल ज़्यादा नीचे गिर जाते हैं। फ्रॉस्ट की कंडीशन आएगी तो ही यही चीज़ होगा। ठीक, तो ये कोल्ड यानी कि ठंडे कोल्ड को ज़्यादा नहीं वो टॉलरेट कर पाते हैं, और फ्रॉस्ट को भी, फ्रॉस्ट मतलब सूखा, इन दोनों चीज़ों को वो ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर पाते। दे आर कंसिडर्ड गुड सोर्स ऑफ पेक्टिन। ये पेक्टिन के बहुत अच्छे सोर्स हैं। ये मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू जैक फ्रूट। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो जैक फ्रूट से पूछा जाता है। पेक्टिन का गुड सोर्स कौन सा है? जैक फ्रूट है। सीड आर सोन इमिडिएटली आफ्टर एक्सट्रैक्शन। जैसे हम खाते हैं, जैसे कोवा खा लिया उसका, तो उसका जो सीड बचा उसको हमें तुरंत बो देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सीड डॉर्मेंसी नहीं होती। सीड डॉर्मेंसी 3-4-6 दिन के लिए ही होती है। तो उसको जैसे निकालो तुरंत उसको ज़मीन में, जहाँ उसकी बुआई करनी है वहाँ कर दो, नहीं तो फिर इसकी क्वालिटी जो होगी जर्मिनेशन की वो डिग्रेडेट होने लगेगी। इसकी जर्मिनेशन की क्वालिटी ख़राब होने लगेगी, सीड की वायबिलिटी भी ख़राब होने लगेगी। वायबिलिटी को ही कहते हैं जर्मिनेशन की पावर को। ठीक, तो वो ख़राब होने लगेगी। इसीलिए जैसे इसको यूज़ करो और यूज़ करने के बाद तुरंत इसको बुआई कर देनी चाहिए इसकी सीड की। ठीक, कॉलीफ्लोरस बियरिंग हैबिट। इसकी जो बियरिंग हैबिट होती है वो कॉलीफ्लोरस होती है। कॉलीफ्लोरस समझते हो, जैसे कॉलीफ्लावर में होता है, ठीक उसी प्रकार की बियरिंग हैबिट इसमें भी होती है। अब ये कॉलीफ्लोरस बियरिंग हैबिट कैसी होती है ये मैंने पहले बता दिया है, कब? जब मैं बॉटनी पढ़ा रहा था। अब सोकिंग सीड इन 25 ppm NaA नेथिलीन एस्टिक एसिड फॉर 24 आवर इम्प्रूव इट्स जर्मिनेशन एंड सीडलिंग ग्रोथ। अगर हम नेथिलीन एस्टिक एसिड के 25 ppm के घोल में जैक फ्रूट के सीड को 24 घंटे के लिए भिगो देते हैं, ठीक, तो उसका जर्मिनेशन और सीडलिंग की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब पढ़ते हैं इनकी वैरायटी के बारे में, जैक फ्रूट की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वैरायटियां हैं।
तो देखो पहली वैरायटी कौन सी है, गुलाबी, दूसरी वैरायटी है चंपा, तीसरी है हजारी, चौथी है रुद्राक्षी। जैसे रुद्राक्ष की माला खुरदुरी खुरदुरी होती है, ऐसे ही कटहल की ऊपरी छाल भी खुरदुरी खुरदुरी होती है, तो ऐसे याद कर सकते हो रुद्राक्षी जैक। नाम भी इसके जैक है, रुद्राक्षी जैक, तो जैक फ्रूट नाम से ही पता चल जाएगा। सिंगापुर और साइलोन जैक, ठीक, सिंगापुर को, जो सिंगापुर है इसको हम साइलोन जैक वैरायटी के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद फिर क्या है, मुत्तम वरिक्का, ये मुत्तम वरिक्का जो है ये वैरायटी है, और ये मंकी जैक। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें जो वैरायटी है वो रुद्राक्षी है, गुलाबी है, चंपा है और सिंगापुर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट वैरायटी है जिसको मैंने मार्क किया है, इसको कायदे से याद कर लेना, ठीक। तो जैक फ्रूट की कल्टीवेशन में केवल इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।